विकास, और जब हम आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के उस किस्से की, उस हिस्से की जो अपने आप में एक ऐसी बुनियाद है जिस पे आगे चलकर मैथ की पूरी बिल्डिंग या मैं आज जो मैथ हम देखते हैं वो खड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि बाद में आने वाले मैथमेटिक्स उसमें बहुत ज़्यादा यूरोप में लिबनीज हुए, उन्होंने काम किया, यूलर हुए, उन्होंने उस पर काम किया, पर इससे पहले वो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में साक्ष्य पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट। In 1881, some birch bark was discovered with what was revealed to be mathematics written on it. And this isn't... एक कहानी है, एक स्टोरी टेलर के रूप में मैं शुरू करता हूँ, आपको ले चलता हूँ भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बातचीत। तो सोचो जितनी गर्मी आजकल हो रही है, ऐसी गर्म दिन है ना, एक काम खेत है जमींदार का, अमानुद्दीन उसका नाम है, उसने एक मजदूर लिया और मजदूर से कहा कि ये जितने भी जमीन को साफ करनी है ना, फील्ड में जितने भी स्टोन है उसको एक जगह हटा के एक ढेर लगा दो, मुझे ये खेती करने के लिए मुझे जमीन चाहिए। मजदूर बेचारा पूरी गर्मी पसीना पसीना हो रहा है, खुदाई कर रहा है, पत्थरों को बाहर निकाल कर फेंक लगा रहा है। 1881 की बात है। उसका खोदते 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 लंच ब्रेक लेता है, रोटी खाता है, प्याज खाता है, थोड़ा सा एनर्जी होती है, जैसे मालिक ने भी काम के जल्दी करना है, पूरा खेत फिर लग जाता है एनर्जी के साथ में। उसका जो इस बार जब खोदाई का करता है, टकराता है एक रेक्टेंगुलर से बॉक्स से, उसके मन में वाओ कि रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें गोल्ड निकलेगा, सोना निकलेगा, सारा कर्जा चुका दूंगा, अपनी जमीन खरीदूंगा, गुलामी से मालिक बन जाऊंगा। जमींदार में पहले होता गुलाम, तो उसको बंदे नई इच्छाएं जाती हैं, खुश हो जाता है, वो तोड़ता है, लोहे का लेकर आता है जिससे वो स्नेक मारा करता था, इस तरह के भारी पत्थरों को तोड़ा करता था। 1 2 3 मुने टूटता है, बहुत मजबूत बॉक्स होता है, जितना देर में लगता है उतने उसके अंदर सपने पड़ रहे हैं, क्या निकलने वाला है इस बॉक्स के अंदर से, क्या मेरे से हीरे जवाहरात, क्या खिलाना मुझे मिलने वाला है। ट्राई करता है पर थोड़े से अफर्ट के बाद में क्रैक होता है, क्रैक आने शुरू होती है, लगातार कंटिन्यूस करने से वो खुल जाता है। तो जो सपने देखे थे झट से जब टूटे कोई सपना कुछ नहीं, उसके अंदर खाली निकलता है, उसमें पत्ते होते हैं, बाघ पत्ते कुछ लिखा होता है, तो क्या करूँगा, पत्तों को उठाता है, फिर उसके लगता है डेस्टिनी है, गरीबी तो मेरी, चलो थोड़ी देर के लिए तो खुश हुआ, मिले तो बहुत अच्छा था, ले जाके मालिक को दे देता है। तो वो जो पत्ते थे ना, जो पत्तों से लिखा था, वो ही थे भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो कहानी इसके तौर पर मैंने आपको सुनाया जिसका आप याद रखें, एक्चुअली आपको ये याद रखना है, फैक्ट ये है 1881 में खुदाई भक्षाली स्थान पर खुदाई के दौरान इस तरह से वो मिलते हैं जो इतने आजकल फ्रेगाइल हो चुके हैं। अब अभी कहाँ पर है आप ये सोच रहे होंगे, तो अभी हैं वो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बड़े महफूज रखे गए हैं, बहुत फ्रेगाइल हैं वो, टाइम टाइम पर लंदन में इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर प्रदर्शनी लगाई जाती है, वहाँ देख सकते हैं, उसकी मैं झलक आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट कम मिली, पर इसमें है क्या, इसमें आप पाएंगे तो इसमें सूत्रों के रूप में लिखा गया है, सूत्र इस तरह का वाक्य है, बहुत ही प्रिसाइज, यानी बहुत सारी नॉलेज को जो प्रिसाइजली कह सकते हैं, कंसाइजली, जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो, नॉन रिडंडेंट हो, तो ऐसी नॉलेज को व्यक्त करने का एक तरीका होता था, सूत्रों में व्यक्त करना, एंसेंट इंडिया में इस तरह किया जाता था। लिपि जो लिखी गई है वो संस्कृत की नहीं है, उस समय जो आर्यभट्ट का दौर था वो भी नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है 200 से 300 कॉमन ईरा के बीच का इसको माना जा रहा है। इसकी जो लिपि है वो शारदा लिपि के सिमिलर मानी जा रही है, संस्कृत जो ब्राह्मी लिपि होती है उसी से निकली है शारदा लिपि, सब सरस्वती माता के ऊपर ये नाम है, सरस्वती, शारदा, सिद्धि मात्री और देवनागरी, तो ये शारदा लिपि के अंदर लिखा हुआ है। इसमें लिखा क्या है, जब इसको रुडोल्फ जो जर्मन थे, जो एक रिसर्चर थे, इंडोलॉजिस्ट और फिलोलॉजिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, तो वो बताते हैं इसके अंदर अर्थमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो रियलिस्टिक रियल लाइफ के मैथ में कैसे अप्लाई हो रही है, उसके बारे में किस फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप पाएंगे जो ये बहुत मज़ेदार है, जो साइंटिफिक नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज डेवलप करने का तरीका है, वो फॉर्म हमें इस पर मिलता है। मतलब आपको सबसे ऊपर एक सूत्र मिलेगा, है ना, जो ये सूत्र मैंने कहा सूत्रों में लिखी हुई है, सूत्र के बाद आपको वर्ल्ड में एक संदर्भ कंटेक्स्ट घटता हुआ उस सूत्र का एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम मिलेगी, उसके बाद न्यूमेरिकल उसी जो वर्ल्ड में लिया है उसका न्यूमेरिकल मिलेगा, सिंबल में चेंज किया न्यूमेरिकल, उसके बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको, है ना, और सोल्यूशन के बाद लास्ट में उसका प्रूफ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो एक अप्रोच होती है।
यही अप्रोच जो समझाते मुझे इनसाइट की करती है कि आज से 1800 साल पहले हमारे भारत में हम ये अप्रोच से साइंस को मैथ को कर रहे थे। ये इसका प्रमाण हमारे पास में है, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये अभी भी रखी हुई है। तो आप देखेंगे, जो मैं से रिपीट कर देता हूँ, यानी सबसे पहले सूत्र दिया गया है, सूत्र के बाद में वर्ड में उस सूत्र के लिए एक प्रॉब्लम का रियल वर्ल्ड की कौन पर प्रॉब्लम रखी गई है, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रखा गया है नंबर तीन पर, नंबर फोर्थ स्टेप का सॉल्यूशन दिया गया है, लास्ट स्टेप में उसका प्रूफ दिया गया है। तो ये पूरी एक साइकिल है नॉलेज क्रिएशन की, सारी इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और इस स्क्रिप्ट में जो क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ घोड़े हैं जो इतने टाइम में इतने योजन की दूरी तक कर पाते हैं, अगर घोड़ों की संख्या इतनी कर दी जाए तो कितनी दूरी तक कर पाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की जो रियलिस्टिक फील्ड से लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसके काफ़ी सैकड़ों सालों बाद गैलीलियो टाइम एंड डिस्टेंस को कोट करते हैं और दुनिया जानती है कि उस समय से हमने टाइम एंड डिस्टेंस की कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, जबकि भक्तशाली मैन्युस्क्रिप्ट में तो ये और सैकड़ों साल पहले से है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें जो मिलता है जीरो के बारे में, तो जीरो के बारे में जीरो एक प्लेस होल्डर है और जीरो को एक अंक जो भक्तशाली मैन्युस्क्रिप्ट में जो इन और अंक नंबर्स दिए हैं, उसके नंबर दिए हुए हैं कि कौन से अंक पर है, नंबर सिस्टम का जो हम आज भी यूज करते हैं जीरो से लेकर नौ तक। और ये कब, ये जब ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट से पहले भक्तशाली मैन्युस्क्रिप्ट आ गई थी, जो जीरो को एज नंबर और एज प्लस होल्डर के रूप में उसमें दिखाया गया है। आप भी सरप्राइज हो रहे होंगे और आपका भी हार्ट ओड हो रहा होगा उस नॉलेज, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स नॉलेज के। तो ये तो थी स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ मैंने आपके साथ शेयर की भक्तशाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, कि हमारे कि हम कितने रिच थे मैथमेटिक्स में और साइंस में के तरीकों में। नॉलेज आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, बने लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय जय भारत।